अस्सलाम वालेकुम एंड हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। नए दिन के साथ नया व्लॉग शुरू करते हैं। अभी बस जस्ट नींद से उठे हैं, आज भी 10 बज गया। अभी जल्दी हमने स्केड्यूल करेंगे जल्दी उठने का। कमेंट में ऐसा पढ़ता हूँ कि मोस्ट ऑफ द काम सादिया मुझसे कराते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि जब 70% काम सादिया, मेरा 70% काम सादिया ही करता है। हाँ, तो क्योंकि उस टाइम मेरे हाथ में कैमरा नहीं होते, लेकिन जब मैं करता हूँ तो सादिया के पास हाथ में कैमरा होता है, इसलिए रिकॉर्डिंग मुझे याद नहीं होते। इसलिए सादिया जो करते हैं वो वीडियो नहीं रिकॉर्ड होते, तो आप लोग ऐसा लगता है कि मुझे सादिया काम कराते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे खाने में है फिश, माँ ने बनाई है, और माँ इच्छा की ऐसे डाटा साग। और ये है झींगा भरता। झींगा भरता। और हेलो अब्बा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अब्बा कर रहे हैं अपना लंच या ब्रेकफास्ट? सेकंड ब्रेकफास्ट। आपने लेट बाहर गए थे ना, सो अब्बा अभी आए हैं, ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। ये आपने क्या है अब्बा? केला। केला, चापा केला। चापा केला और अमरूद प्यारा। गुआवा। ये हमेशा जाती है कि अब्बा उसको ना खिलाए, बार बार अब्बा के पास जाती है, खाना चाहिए। तो ना मैं अभी नहा के आ गई और अभी फ्रेश लग रहा है। रात को नींद ख़राब कर दी मैगी ने, इतना चिल्ला रही थी, तो अभी चलो अच्छा लग रहा है। और आज मैं सोच रही हूँ मेरे आईब्रोज है ना वो सेट कर लो यार, बहुत बड़े हो गए हैं। अगर अभी नहीं सेट करूँगी ना तो क्या होगा कि शेपलेस हो जाएगा, शेप इसका गुम हो जाएगा, फिर मुझे ना पार्लर जाना पड़ेगा। और पार्लर से ऐसा होता है ना कि जब मैं पाकिस्तान गई थी ना तो पार्लर वाले ने बोला था कि आपका आईब्रो ना एक ऊपर है एक नीचे है, तो आप पूरे ही ग्रो होने दो, फिर पार्लर आओ और हम सेट कर देंगे। मैंने पूरे ग्रो होने दिया, पार्लर गई, उन लोगों ने सेट किया, उन लोगों ने भी ऊपर नीचे कर दिया, एक मोटा एक पतला। फिर मुझे इतना गुस्सा आया, तो इसलिए ना मैं अभी आईब्रोज खुद ही बनाती हूँ, मैं कहीं जाती नहीं हूँ, किसी पर ट्रस्ट नहीं, तो मैं जल्दी से आईब्रोज सेट कर लेती हूँ। आईब्रोज बनाने के लिए चाहिए रेज़र, कैंची, मिरर और टिश्यू, ये इतनी सी चीज़ है बस। तो ये है बिफोर, ठीक है, मैं अभी आपको दिखाऊंगी आफ्टर। तो ये देखो अभी मैंने आईब्रोज जो है ना वो पूरे बना लिए, थोड़ी देर पहले दिखाए थे ना कितने ख़राब लग रहे थे, अभी एक हफ्ते तक मेरी जान छूट गई। शेविंग करते ना? आईब्रोज शेविंग, दाढ़ी मूंछें सब शेविंग किया है। मूंछें भी किया है सरिया? नहीं। रस्सी से किया हो? नहीं। किससे किया? यार तुमसे बात करते करते ये देखो क्या करता है तब तक। सादिया, ईमान, सादिया अपने रस्सी ब्लेड से किया शेविंग? नहीं। घर में दही बनाई है माँ ने, अब्बा देखो खाना भी शुरू कर दिया। अब्बा ठीक है तक घर पे तो सब ऐसे ही होते हैं ना, शौक जो नहीं। अब मैंने आज ना मैट्रेस भी ऑर्डर कर दिया, ये देखो कितने का है, रियल प्राइस 27,000 लेकिन मुझे मिल रहा है 19,000 में, क्योंकि ये ना इमोन के नहीं, किसका है, राना भाई के जान पहचान, राना भाई के फ्रेंड का है, तो डिस्काउंट दिया है हमें, थैंक यू सो मच। और हमने ये, मैंने और इमोन ने ये वाला कलर चूज़ किया है, ग्रे कलर। तो अभी मैं ना रेडी हूँ और आज भी मैं कोई मेकअप नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैंने आईब्रोज बनाए ना, तो इधर इधर ना अच्छा नहीं होगा अगर कुछ मेकअप वगैरह लग जाए। बस आई एम रेडी, और चलो कुछ बाहर थोड़ा वॉक वॉक करके आए, घर बैठे बैठे दिमाग बड़ा हैवी हो गया है। उनके विंटर के लिए कुछ पजामास देखेंगे, और माँ के लिए कुछ देखना है विंटर के लिए, बस चलते हैं बाहर। और खाने का तो मैं सोच भी नहीं सकती बाहर कुछ खाऊं, अभी बाहर का बाहर बाहर खाने का सोचती हूँ मेरे पेट में दर्द होता है, याद आ जाता है। हाँ नहीं यार, नो आई एम सॉरी यार, बाहर निकला है और इतनी ठंड है आज, मतलब ऐसा वेदर आ गया है जैकेट वाला पूरा ही। हाँ। एक दिन में ही, कल तो रिक्शा, कल पैदल निकले थे, रिक्शा में नहीं चले थे, तो कल थोड़ा ठंडा था लेकिन आज थोड़ा ज्यादा ही ठंडा है। मेरी तो ये वाली पेंट अच्छी खासी गर्म है, मुझे बिल्कुल ठंड नहीं लग रही। और इन्होंने आज जीन्स पहन ली है क्योंकि उसे ठंड लगी है। नॉर्मल में हाफ पैंट पहनता हूं। चलो रिक्शा में ही बहुत ठंड लग रही है यार, इतना ठंडा, फॉगी फॉगी लग रहा है बाहर, हल्का फॉगी फॉगी, हल्का फॉगी। ये गांव में होता है नॉर्मली, आपको कभी गांव दिखाए तो आपको पता चलेगा ऐसे क्लाउड फॉगी फॉगी। इसलिए मेरे गांव लेके चलो ना इमोन, जाएंगे। वैक्सीन तो लगे यार, वैक्सीन हराम ही लगता ही नहीं है। सर मसला ये वैक्सीन नहीं लगा हुआ ना, इसलिए अपना गांव नहीं जा रहे। और अभी माँ के लिए एक चीज़ ले ली है, और इमोन के लिए अभी दूसरी कुछ चीज़ें लेने जा रहे हैं, घर जाके मैं आपको दिखाऊंगी हमने क्या लिया। ओके, घर आ गई, शादी घर आ गई है, हल्ला हल्ला एक्साइटेड। क्या कर रही थी, सो रही थी, सूंघेगी कहाँ कहाँ से खुशबू लेके आ रही हूँ।
ये हम ना वो लेके आए थे ब्रेड, बन वाली बर्गर ब्रेड, क्योंकि शाम को ना घर पे ही कुछ खाना चाहिए ना, बाहर से नहीं खाना चाहिए, इसलिए तो चलो कुछ बनाते हैं बर्गर शर्गर। और ये कबाब जो है वो फ्राई कर रही हूँ। जितना हो सके बाहर का खाना अवॉइड ही करूँगी, कभी बाहर के इमरजेंसी है, लंच खाना है, कुछ करना है, तब मैं खाऊँगी, लेकिन नॉर्मली कोशिश करूँगी कि बाहर इतना ना खाऊँ, क्योंकि हेल्थ से बढ़कर कुछ नहीं है यार। कब से गला ख़राब हो गया था, अभी जाके ठीक हुआ है, तो अभी थोड़ा ख्याल करूँगी मैं। और ये इमोन ना मैगी को ट्रेनिंग दे रहा है चुप करने कराने की, क्योंकि मैगी ना बहुत ही चिल्ला रही है आजकल, पता नहीं क्यों। नॉट टू बार्क। हाँ, नॉट टू बार्क ट्रेनिंग। तो अभी ना वो जैसे ही बार्क करती है तो इमोन कैसे करते हो ऐसे करता है, और फिर ना उसको ट्रीट देता है, फिर वो थोड़ा मतलब नहीं तो रात को बिल्कुल सोने नहीं देती। बाहर किसी कुत्ते का आवाज़ आता है या कुछ भी तो मैगी भी फिर उसको जवाब देती है चिल्ला चिल्ला के, वो हवा करे मैगी भी हवा हवा, तो इसलिए उसको ट्रेनिंग दे रहे हैं, अभी सीख रही है, इंटेलिजेंट है। चलो कबाब को उल्टा रही हूँ, अभी आपको सुनाई दे रहा होगा ना मैगी आवाज़, क्योंकि मैं कमरे से बाहर हूँ तो उसको भी बाहर आना है, ऐसे काटते हैं मतलब उसको बाहर ही आना है, लेकिन हर जगह फिर इधर तो ख़राब कर देगी ना, इसलिए रूम में रखा है फिलहाल, बड़ी हो जाए ट्रेनिंग हो जाए फिर, नहीं तो वैसे भी घर पे चलती है बाहर, ऐसा भी अंदर रहती है। करें कैसा है माँ के लिए दो स्टाइल के कपड़े लेके आओ, तुम पकड़ो मैगी को लेके आओ, मैगी का हो जाएगा नीचे की पर पे माधुरी दिसी मैं सिर्फ थोड़ा थोड़ा कर दूंगा माधुरी ने तो डांस कर कोई नहीं नहीं तुम्हार तो बट ठीक ही आसे बटन तो नहीं ना हां बेसी लंबा तो ना बेसी लंबा रे समस्या होबे ना मिक्सिंग করে থাকবে পুরো দিল তো পাগল এর কারিশমা তো প্যার কর ये है इमोन की न्यू हुडी, और उसने बोला कि ग्लासेस लेके आओ, मैं तो आज हीरो बनूंगा तो लो हीरो बनो, अच्छा लग रहा है, लेकिन ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया थोड़ी दूर जाओ, गोल हो गोल पर्दा पूरे शराय हो ना पर्दा, अभी काज चल रहा है ऊपर, काम चल रहा है बाद में, हाँ अच्छा लग रहा हो। और ये इमोन की सेकंड हुडी कैसी लगी कमेंट्स में बताना, फर्स्ट वाली अच्छी है कि सेकंड वाली, और ये है तीसरी हुडी, तो मुझे कमेंट्स में बताना उसकी कौन सी हुडी सबसे ज्यादा अच्छी लगी, ठीक है अच्छी लग रही हो नाइस मुझे पता चल गया मैगी को कैसे कैरी करना है बाहर जाऊं तो, ये देखें कितना क्यूट लग रहा है इमोन, माशाल्लाह गाइज, मैं आज का वीडियो यहीं पे एंड कर रही हूँ, अपना बहुत सारा ख्याल रखना, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, खुदा हाफिज, बाय 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 मैगी, बाय 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 बाय।